आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले अगले एपिसोड के बारे में कि कल के एपिसोड में क्या क्या होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको स्प्लिट्स फिला से रिलेटेड अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आने वाले अगले टास्क में आपको देखने को मिल सकता है कि जो तीनों आइडियल मैच है वो परफॉर्म करेंगे। आइडियल मैचेस को अपनी टीम बनानी होगी और ये टास्क फेस ऑफ वाला टास्क होगा। हो सकता है इस टास्क में स्वास्तिका परफॉर्म ना करे क्योंकि वो प्रोमो में कहीं भी परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं दे रही, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले इन तीन आइडियल मैचेस को एक दूसरे के अगेंस्ट परफॉर्म करना होगा और उन तीनों आइडियल मैचेस में से कोई दो आइडियल मैच आगे जाएंगे और एक आउट हो जाएगा। पर ये बात 100% कन्फर्म है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि आकृति अनिका को पिच करते हुए दिखाई देगी। वो अनिका को बोलेगी कि अभी गेम के हिसाब से सोच, बदला लेना है तो तू शो के बाहर लेना। इसका मतलब ये है कि इस टास्क के लिए आकृति अनिका को उसे चूज करने के लिए बोल रही है। अनिका आकृति को चूज करेगी कि नहीं ये तो पता नहीं, पर आकृति आपको आगे टास्क में परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। और इस टास्क में जो लास्ट आएंगे हो सकता है उन्हें कोई डिसएडवांटेज फेस करना पड़ सकता है। आने वाले टास्क में रुशाली के ऊपर सनी मैम चिल्लाते हुए दिखाई देगी क्योंकि रुशाली हर्ष के साथ परफॉर्म करने के लिए बोलती है। हो सकता है कि अगले एपिसोड में नायरा जो है वो अरबाज को अपने साथ परफॉर्म करने के लिए चूज करे। और इस टास्क के जो विनर है वो हो सकता है कि एडी कशिश, दिग्विजय नायरा और आकृति और जशवंत हो। ये विनर्स हो सकते हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एडी और कशिश ये आने वाले अगले एपिसोड में आपको लव डेन में जाते हुए दिखाई देंगे। तो हो सकता है कि एडी और कशिश इस टास्क को जीत लेंगे इसलिए उन्हें लव डेन में जाने का मौका मिलेगा। तो ये सब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा।